200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's... If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like the language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an example. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for... There's no such thing as equal rights. They're not in an equal category. हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। सामने क्रम गुज़श्ता रात से हमारे पड़ोसी कुछ ज्यादा ही भड़के हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर शुक्रिया जना और इंडियन मुस्लिम ट्रेंड कर रहा है। और सबसे पहले आपको सुशांत मेहता की तकलीफ सुनाते हैं। आपको कंट्रोवर्सी तो पता है, मोहम्मद शामी जो सजदा करने गए लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने सजदा कर दिया तो भारत का मीडिया हो या फिर हिंदुत्व का प्रचार करने वाले गुर्गे, वो उसका जीना हराम कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह जब पाकिस्तान के अगेंस्ट जब ये T20 मैच हारे थे तो उस वक्त मोहम्मद शामी का जीना हराम किया गया था। अब ये सुशांत मेहता की जरा सुनिए क्या लिखता है। शुक्रिया जना वाले ट्रेंड के बाद, ऑनेस्टली आफ्टर ऑल दिस सजदा नॉनसेंस आई हैव हर्ड फ्रॉम आवर नेबर्स, आई सिंसियरली वांट टू थैंक जना कि ऐसे लोग इस मुल्क से निकल गए। आओ साथ में बोलो थैंक यू जना। यानी ये कह रहा है कि पाकिस्तानी हमारे मुल्क से निकले, इसलिए हम भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ मजीद भी उसने ट्वीट किए हैं इसी रिलेटेड, यानी कि जो तकलीफ दिखा रहा है कि भारत के सहाफियों के अंदर इस बात की कितनी तकलीफ है जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शायद इन लोगों को वहाँ के मुसलमानों के हालात नहीं पता। सबसे पहले जरा ये एक क्लिप सुनिए जो एक भारतीय एमपी का है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जरा सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी का एमपी है वो क्या कह रहा है ये सुनिए, और वो भी एक गैर मुल्की मीडिया चैनल को इंग्लिश इंटरव्यू दे रहा है। 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's... If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like the language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Article 14 of the Indian Constitution guarantees the right to equality, as you know, for all persons living in India. I can tell you that's a misinterpretation of Article 14. Article 14 guarantees equality of equals. I'll give you an example. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They are not in an equal category. ये शख्स जो पार्लियामेंट का कई बार मेंबर रह चुका है, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्समैन रह चुका है, वो ये कहता है कि अगर 30% से ज्यादा भारत में मुसलमान हुए तो ये हमारे मुल्क के लिए खतरा होंगे। यानी इनडायरेक्टली मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात की जा रही है। और फिर जब उसके बाद आर्टिकल 14 का हवाला देकर एंकर उससे पूछती है कि क्या मुसलमानों के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो वो ये बेशर्म कहता है कि ना तो वो इक्वल हैं, ना हम उन्हें इक्वल समझते हैं, ना ही उन्हें हिंदुओं के बराबर राइट्स मिल सकते हैं, ना ही मिलने चाहिए। ये हालात है हमारे पड़ोस के। और ये सुशांत मेहता को इस बात पर तकलीफ है कि शुक्रिया जना का ट्रेंड क्यों चल रहा है। लेकिन अभी रुकिए, आपको मजीद बताते हैं। भारतीय मुसलमानों को जॉब करने का सरकारी कोई भी राइट नहीं है। भारतीय मुसलमान अगर किसी सफर वगैरह में है तो कहीं भी रुक कर नमाज अदा नहीं कर सकता। अगर वो नमाज अदा करेगा तो भारतीय लॉ के मुताबिक वो पनिशेबल ऑफेंस है। और कई लोगों को तो हिंदुत्व का प्रचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी या RSS के गुर्गे वही नमाज पढ़ने की पादाश में कत्ल कर देते हैं। लेकिन इन्हें तकलीफ है कि पाकिस्तानी शुक्रिया जना का ट्रेंड क्यों चला रहे हैं। हालांकि वो शुक्रिया अपने कायद का अदा कर रहे हैं कि हमें इन लोगों से तुमने खलासी दिलाई है, हमारी जान इस गन से छुड़वाई है। भारत में जितने भी मुसलमानों के नाम से इलाके हैं उन सब का नाम बदल कर हिंदुओं के नाम पर रख दिया गया है। मुसलमानों की मस्जिद को मंदिर डिक्लेयर करके डिमोलिश करने का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू है। भारतीय जनता पार्टी वाले खुलेआम इस बात की धमकियां दे रहे हैं कि मुसलमानों की हम नस्ल कुशी करेंगे। कई ऐसे फसाद सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों के साथ जुल्म और जबर किया जाता है। और हाल ही में भारत के हिंदुत्व का प्रचार करने वाले एक सबसे बड़े पंडित ने मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या शुक्रिया जना का ट्रेंड चलाना पाकिस्तानी मुसलमानों ने गलत किया या ठीक। क्योंकि जिस मुल्क में उनके हीरो को सजदा करने की इजाजत नहीं, तो आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ के बाकी मुसलमानों का जो कि गरीब है, जो बासर नहीं, उनका क्या हाल होगा। आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का हाल तो कई बार इन हिंदुत्व का प्रचार करने वालों के हाथों देख ही लिया है। ना सिर्फ उनकी फिल्मों का बायकॉट किया जाता है बल्कि उनके बच्चों तक को गलत केसेस में फंसा कर जेल यात्रा करवाई जाती है। भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। जिहादी वो लोग हैं
जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। ये हेट स्पीच नहीं है, ये फ्रीडम स्पीच है। हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए, और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी। म्यांमार में और आपके देश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर रह गया। वो म्यांमार में क्या हुआ, जो इस्लाम के जिहादी लोग उन्होंने भागे हिंदुओं को, वह आप लोग भ्रम में मत पड़ा करिए, बौद्ध और जैन हिंदू ही है, आपको डिवीजन किया जाता है। तो बौद्ध हिंदुओं को सड़क पर मारते थे, रास्ता चलते मार देते थे, ये जिहादी लोग मार करके हिंदुओं को सड़क पर डाल देते हैं। क्या आप इसी का इंतजार करोगे? संसद से घोषणा हुई है, धर्म संसद से, अब हम इसका इंतजार नहीं करेंगे। हम भारत के एक एक जिहादी के खिलाफ उठकर खड़े होंगे और इसकी सफाई का काम करेंगे। मोदी ने नारा लगाया है स्वच्छ भारत, हम भी पवित्र भारत भी करेंगे, स्वच्छ भारत भी करेंगे और पवित्र भारत भी करेंगे। क्रिमिनल्स हैं और सारे मुस्लिम्स में डिफरेंस है कि आप जब जिहादी बोलते हैं सारे मुसलमानों के बारे में बात करते हैं? जिहादी वो लोग हैं जिन्होंने कुरान समझा हुआ है। एक होता है कुरान को पढ़ना, ठीक है, लेकिन वो आदमी समझता नहीं, जो समझ लेता है तो वो जिहादी बन जाता है। हिंदू संस्कृति के किस ग्रंथ में है कि हथियार उठाओ? अरे हमने कहा तुमको शर्म नहीं आती, हमारे राम और कृष्ण हथियार के बिना रहते नहीं है, और राम ही थे जिन्होंने आतताइयों को लंका तक मारा था और लंका तक सफाई करके तब अयोध्या वापस आए थे। भगवान कृष्ण थे जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, जिन्होंने महाभारत का आह्वान किया, हजारों लाखों लोगों की हत्या हुई और उनका वध किया गया। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए धर्म को अस्त्र उठाना पड़ता है। इसके कारण से धर्म संसद से आह्वान हुआ है कि हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए, और जब अस्त्र रखोगे तो आप पर राम की कृपा होगी, आप पर कृष्ण की कृपा होगी। अपने घर में हथियार जरूर चाहिए, अब जिहादी के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, युद्ध की तैयारी आपको खुद करनी है। आपने कहा कि हथियार रखने चाहिए लोगों को अपने फैमिलीज में, अपने परिवारों में, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? नहीं, हथियार रखना हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है, हमारे सारे महापुरुषों के पास हथियार है, परशुराम जी के पास हथियार है, राम जी के पास हथियार है, तो हमारे यहाँ मान्यता है, हम भूल गए हैं, उसका ही आह्वान किया है, और ये कोई अपराध नहीं है, और आत्मरक्षा के लिए रखना ये कोई अपराध नहीं। हिंदू कभी किसी पर हमला पहले नहीं करता, हिंदू का स्वभाव ही नहीं। आज पूरे वर्ल्ड में आप एक घटना बता दीजिए जो हिंदू ने किसी को अपने को खुद जाके मारा हो।